नमस्कार साथियों, आज डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथी क्लिनिक के इस प्रोग्राम में हम लोग चर्चा के लिए इकट्ठा हुए हैं। माननीय मोदी जी के 22 तारीख का जो जनता कर्फ्यू का उन्होंने अनाउंसमेंट कराया, उसके विषय में बात करने के लिए मैं आपको इस माध्यम से बताना चाहता हूँ कि यह एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, या मजाक या एक्सप्लोरेशन का विषय नहीं है। हिंदुस्तान इस समय कोरोना वायरस से जूझ रहा है, पूरी दुनिया जूझ रही है, लेकिन हमारे यहाँ अच्छा है, अभी हम लोग स्टेज टू पर हैं। और अगर स्टेज टू पर हम लोग हैं, जो कि लोकल ट्रांसमिशन, यानी कि कोई बाहर से आता है और वहाँ हिंदुस्तान आता है, उसको ट्रांसमिशन होता है और उससे किसी को ट्रांसमिशन हो जाता है, यह स्टेज टू होती है। भारत इस समय स्टेज टू पे है। इस जनता कर्फ्यू का इम्पॉर्टेंस इसलिए अत्यधिक है क्योंकि यह एक प्रयास है मोदी जी द्वारा स्टेज थ्री पे भारत को जाने से रोकने का। अभी आज कल में ही एक दिल्ली का मरीज चेन्नई में कोरोना वायरस से पीड़ित मिला है, जो कि जिसका विदेश यात्रा का कोई हिस्ट्री नहीं है, ना ही वो ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आया जो कोई विदेश गया हो। यानी लोकल जो ट्रांसमिशन, कम्युनिटी ट्रांसमिशन है, उसका एक मरीज हिंदुस्तान में पाया गया है। मोदी जी ने मेरी समझ से इसकी महत्ता को भांपते हुए इस जनता कर्फ्यू का ऐलान करा है, जो सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक चलेगा। मतलब हम लोगों को अपने घर के अंदर रहना है। इसका मकसद ये है साथियों, जो कोरोना वायरस होता है वो एक जगह केवल 12 घंटे जिंदा रह पाता है। 12 घंटे के अंदर उसको ट्रांसमिशन के लिए कोई ना कोई मीडिया चाहिए होता है कि वह ट्रांसमिट हो। और जब हम लोग अपने घर से नहीं निकलेंगे, क्योंकि हमारी कम्युनिटी में भी ट्रांसमिशन नहीं हुआ है कोरोना का, अगर हम लोग नहीं निकलेंगे, क्योंकि यह जनता कर्फ्यू 14 दिन का है, तो 14 घंटे का है, तो 12 घंटे में वायरस के समाप्त होने की पूरी संभावना है। तो यह जो माननीय मोदी जी का प्रयास है, इसका मैं समर्थन करता हूँ। और आप सबसे एक डॉक्टर के नाते निवेदन करता हूँ कि इस चेन को तोड़ने के लिए, या जो वायरस की चेन है ट्रांसमिशन की, इसको तोड़ने के लिए ये 12 घंटे जिंदा रहता है। अगर हम 14 घंटे इसको कोई मौका ना दें तो ये स्वतः टूट जाएगा। और आगे भी इस तरह की विपत्तियों को निपटने में बहुत मदद मिलेगी। तो इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप जो है 22 तारीख को अपने घर के अंदर रहें और इस चेन को ब्रेक करें। आपका साथियों, साथ के लिए बहुत बहुत आभार।